सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। शुक्रवार दिन के लगभग 1 बजे डाल्टनगंज मुख्य बाजार स्थित बसंत बहार के समीप अज्ञात अपराधियों ने छोटू पासवान नामक एक युवक को दिन दहाड़े गोली मार दी। गोली छोटू पासवान की छाती में लगी जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद घायल छोटू पासवान को इलाज के लिए तुरंत ही डाल्टनगंज के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल की मेडिकल टीम ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए घायल युवक को रिम्स रेफर कर दिया। वहीं गोली चालन होने की खबर डाल्टनगंज शहर में आग की तरह फैली और देखते ही देखते लोगों की भीड़ सदर अस्पताल में उमड़ पड़ी। चश्मदीदों की माने तो घटना को 2 अपराधियों ने अंजाम दिया। वहीं मामले पर शहर थाना प्रभारी आनंद कुमार मिश्र ने बताया कि घायल छोटू पासवान अपराधी प्रवृत्ति का युवक है। वहीं मामले पर शहर थाना प्रभारी आनंद कुमार मिश्र ने बताया कि घायल छोटू पासवान अपराधी प्रवृत्ति का युवक है और पूर्व में भी वह गोली चालन की घटना में बाल बाल बच गया था। कहा, ताजा गोली चालन की घटना के पीछे जमीन विवाद का कारण मालूम होता है। श्री मिश्र ने कहा कि मामले की तह तक जाने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। वहीं दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाले बाजार में गोली चलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल देखा गया। वहीं ताजा जानकारी के अनुसार घायल छोटू पासवान की मौत रिम्स जाने के क्रम में रास्ते में ही हो गई, जिससे उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।